स्टार्ट। क्या कनेक्ट करना है? हाँ ये मतलब इधर से हाँ रिकॉर्डिंग देखो तो स्क्रीन आ रही। हाँ आ गई। ओके चले जी, हम आज का स्टार्ट करते हैं। हमने आज एक बात करनी थी 168.com के ऊपर, ठीक है। ये भी एक सोर्सिंग की साइट है और ये अलीबाबा ने ओन की हुई है, ठीक है। आप लोग इसको अलीबाबा का सबसेट समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो इस वेबसाइट पे देखते हैं कि हम किस तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और किस तरह उसके ऊपर सप्लायर फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर क्या क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। एक्चुअली में ये जो 168.com है, ये सोर्सिंग साइट है फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस से मतलब ये है कि विद इन चाइना जो चाइनीज सेलर है उनके लिए, क्योंकि टोटली चाइनीज में है वेबसाइट और इसके एल्गोरिदम भी चाइनीज को ही अंडरस्टैंड करता है, ठीक है जी। तो हम जरा इस वेबसाइट की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है इंटरनेट नहीं आ रहा यार। वो भाई से उसको फैसल साहब को बुलाना। इंटरनेट नहीं आ रहा, इधर नहीं चल रहा। गूगल चल रहा इंटरनेट का भी है। नहीं, मैं नहीं करता ये काम। ये पता नहीं सुबह से क्यों ये नोटिफिकेशन आ रहा है। इधर मेरे वेदर आता होता था, पता नहीं ये क्यों आ रहा है सुबह से। ये देखो ना, ये भी लोड होने में टाइम ले रहा वो बुला रही है भाई राम।
यार चल रही सुबह, मैं उसको चला के काम करके हैं उसके ऊपर। तुम भाई ट्राई करना, 1688 जैसी चलती मुझे कार। अच्छा जी, वो भी 1688 तो पता नहीं कोई बैकएंड से इश्यू है, वो तो ओपन नहीं हो रही। हम थॉमस नेट पे देख लेते हैं, जो हमने कल करना था वो आज कर लेते हैं। थॉमस नेट बेसिकली सोर्सिंग के लिए ही आपके पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये यूएसए बेस है। इसमें आपको जितने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे वो यूएसए बेस मिलेंगे। तो अगर तो आप यूएसए में काम कर रहे हैं, क्लाइंट आपका यूएसए का है, तो थॉमस नेट तो बेस्ट है, क्योंकि चाइना से सोर्स करवाने में और यूएसए से सोर्स करवाने में ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ऑब्वियस बात है ना, एक प्रोडक्ट जो आप चाइना से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, अगर वो उसी की मैन्युफैक्चरिंग आपको यूएसए से मिल जाए तो सस्ती नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा सस्ती है जी। क्यों सेम मिलेगा जी, सस्ती होने का फायदा। क्यों मुख्तलिफ होगी, सस्ती होगी। हाँ जी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, देखे ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो शायद सेम हो, लेकिन जो चाइना से यूएसए तक शिपिंग की कॉस्ट है वो तो बच जाएगी। कंट्री टू कंट्री शिप करना या सिटी टू सिटी या स्टेट टू स्टेट शिप करना वो कॉस्ट इफेक्टिव है, तो इसलिए ये थॉमस नेट को हम यूज करते हैं अगर हमें यूएसए में सप्लाई ढूंढना है। सही है, तरीका वही है जी। सप्लायर यहाँ से आपने चूज कर लेना है कि क्या ढूंढ रहे हैं, प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, सीएडी मॉडल्स ढूंढ रहे हैं। सीएडी मॉडल्स वो उसके मॉडल्स हैं ऑटोकैड की तरह ना, ये मॉडल्स आपको मिल जाते हैं। इनसाइट्स देखनी है या डाइवर्स सप्लायर्स देखने हैं, हमें फिलहाल सप्लायर्स चाहिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारी प्रोडक्ट के। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि मुझे सप्लायर चाहिए योगा मैट की प्रोडक्ट का, तो मैं उसको अच्छा इसके ऊपर भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। सही है जी, तो ये टोटली फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो जैसे ही मैंने योगा मैट लिखा तो उसने मुझे 34 रिजल्ट दिए योगा मैट के सप्लायर्स के। सही है, तो अब इसमें भी मेरे पास सेम वैसे ही ऑप्शन है थॉमस वेरीफाइड का। सही है, जैसे वहां पे हम ट्रेड इंश्योरेंस देखते थे अलीबाबा पे, हम इधर थॉमस वेरीफाइड देखेंगे कि थॉमस वालों ने इसकी फिजिकल जो फैक्ट्री है उसको फिजिकली जाके वेरीफाई किया हुआ है, वैलिडेट किया हुआ है, उसकी इंस्पेक्शन प्रॉपर की हुई है कि नहीं। तो हम इस पे फिल्टर अप्लाई कर देंगे कि हमें सिर्फ थॉमस वेरीफाइड सप्लायर दिखाओ, और मेरे ख्याल से कि वो सिर्फ इस टाइम दो है इसके पास। सही है, जो हमने सर्च रिजल्ट्स में 34 सप्लायर्स देखे थे वो मेरे पास कितने रह गए जी, दो रह गए बस। अब इन दो के साथ आपने काम करना है। आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी की टाइप क्या है, मैन्युफैक्चरर हो तो मेरे पास एक ही रह जाएगा दो में से भी। सही है जी, कस्टम मैन्युफैक्चरर भी देख सकते हैं कि जो कस्टमाइज कर सके चीजों को, वो एक जिस तरह इस शेप के लैपटॉप बन रहे हैं वो सिर्फ इसी शेप के ना बनाता हो, अगर आप उसकी डिजाइन चेंज करवाना चाहते हैं, किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर उसमें वो कस्टमाइजेशन भी कर सके। सही है जी, तो ये भी मुझे अकाउंट बनाने के बगैर में लगता है यूज ही नहीं करने देगा। एक तो इंटरनेट भी नहीं आ रहा पूरा। खैर जी, आप उसी तरह उस कंपनी के नेम पे क्लिक करें जिस तरह अलीबाबा के ऊपर आ रहा था, उसकी प्रोफाइल विजिट करें। ये टैब, इसकी प्रोफाइल विजिट करें वैसे ही जो चीजें हम अलीबाबा पे देखें, फुल कैटलॉग देखें कि ये किस किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, सर्टिफिकेशंस देखें कि आपके पास इसके पास सॉरी किस किस चीज की सर्टिफिकेशंस हैं, कोट योर प्रोडक्ट करें यानी कि उससे कोटेशन मांगे। इधर आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी, उसे कॉन्टेक्ट करना है तो आप उसके चलो
मैसेज करें तो मैसेज के टैब पे जाके आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तरीका वही है, बार्गेनिंग का तरीका वही है। उसे बताएं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, अपनी छोटी छोटी सी भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी मेंशन करें और उसके साथ डील क्रैक करें। क्लियर है जी? इसमें कोई मुश्किल है तो बताएं। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट तो हर जगह करना पड़ेगा आपको, वरना उसके बगैर नहीं सर। ट्रेड इंश्योरेंस अलीबाबा पे, इधर थॉमस वेरीफाइड, एक ही चीज है थॉमस वेरीफाइड। हाँ जी सर, ये भी कर सकता है, लेकिन आप इसके साथ थॉमस के थ्रू, थॉमस वेरीफाइड जो होगा वो फ्रॉड के चांसेस कम होंगे ना। फ्रॉड तो अलीबाबा पे ट्रेड इंश्योरेंस वाले भी कर देते हैं, उनके पास रीजन ही ऐसी होती है कि अलीबाबा उनकी बात मान लेता है, तो हम तो बस अपना रिस्क फैक्टर रिड्यूस करते हैं। सही है, लेकिन ये यूएसए है, इसमें आपको फायदा है अगर आपका क्लाइंट यूएसए का है, इसकी कंपनी का एड्रेस उठाएं, अपने क्लाइंट को दें, उसे कहें कि जाके उससे फिजिकली मिल के आए, फिर तो फ्रॉड नहीं ना होगा। सही है ना? तो इसका ये फायदा है। कोई और क्वेश्चन है जी तो बताएं। ये देखिए, ये थॉमस वेरीफाइड सफेद है, इसके पास थॉमस वेरीफाइड का बैज है, क्योंकि हमने फिल्टर लगाया था, हमारे पास वही आएंगे। थॉमस वालों ने इसकी सारी वेरिफिकेशन वैलिडेशन की हुई है, तो फ्रॉड के चांसेस कम है। प्रोडक्ट्स वो बता रहा है जी कि ये देखें, ये इस टाइप के प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। सही है, तो अगर तो ये योगा मैट्स, योगा से प्रोडक्ट्स ही बना रहा है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज नहीं हम इसके साथ जाना पसंद करेंगे, हम कोई और सप्लाई ढूंढेंगे। क्लियर है जी? हमारे पास ना कुछ इस तरह के मॉडल्स हैं जिन्होंने ना पाकिस्तान में बैठ के बाहर लॉन्चेस की हैं और पीकेआर में की, आज से तकरीबन साल पहले की होगी उसने लॉन्च, मेरा दोस्त ही है, उसने यूके में लॉन्च की है, पीएल लॉन्च की है अपना पाकिस्तानी 3 लाख रुपए में। तो सर ये भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि हम यूके में हैं तो हमें वही 25,000 pounds ही चाहिए, हम सस्ती लॉन्च भी कर सकते हैं। क्या चीज लॉन्च की है ये तो नहीं मैं बता सकता, क्योंकि ये डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है, आप अपनी प्रोडक्ट कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। शायद मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, क्लाइंट आपके साथ एनडीए साइन करेगा, तो अगर आप किसी बिजनेसमैन से ये पूछे ना कि क्या प्रोडक्ट आप कर रहे हैं काम, तो सर ये टोटली अनएथिकल है, नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर होगा, तो इसलिए आप कभी भी किसी से ये ना पूछे कि आप कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सही है, आप उससे स्टैट पूछे, उससे उसकी स्ट्रेटेजीज पूछ सकते हैं अगर वो बताना चाहे, लेकिन उसकी आइटम क्या है जो वो बेच रहा है ये आप उससे कभी ना पूछे, वरना वो समझ जाएगा कि आप टोटली नॉन एक्सपीरियंस और नॉन प्रोफेशनल बंदे। सही है, बहरहाल वो जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है वो मार्केट से 5 pounds एक्सपेंसिव सेल कर रहा है और उसकी बिक रही है। 3 lakh पीकेआर में उसने लॉन्च किया, 2 महीने पहले 6,000 pounds की इन्वेंट्री उसने नहीं मंगवाई है, तो ये भी पॉसिबल वेज है हमारे पास कि हम पीकेआर में भी लॉन्च कर सकते हैं पाकिस्तानी सस्ते में। तरीका सिर्फ क्या उसने किया कि प्रोडक्ट वैसी ढूंढी जो यूके में मैन्युफैक्चर हो रही। अब यूके में मैन्युफैक्चर होने से क्या हुआ कि वो सोर्सिंग प्राइस उसकी इतनी कम पड़ गई कि उसको मसला नहीं हुआ, बाकी उसकी स्ट्रेटेजी थी कि उसने लूप होल देखे, दूसरे कंपेटिटर्स में गैप देखे कि उनकी प्रोडक्ट में क्या फॉल्ट है, उनकी लिस्टिंग में, उनकी ईबीसी कंटेंट में, उनकी वीडियो पीपीसी में, उनके किधर कौन सा गैप है, उसने वो गैप फाइंड आउट किया, उस गैप को कवर किया, प्रोडक्ट के जो फॉल्ट थे उनको खत्म किया, मैन्युफैक्चर से बात की, और इसी एक चंद चीजों की वजह से उसकी प्रोडक्ट जो है वो बिकनी स्टार्ट हुई। सही है ना? तो सोर्स कोशिश करें पहले नंबर पे कि आप सोर्स उसी कंट्री में ढूंढें जिस कंट्री में आप लॉन्च करने जा रहे हैं। सर आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा, एक चीज जो आप $12 में बेच के अपना 30% प्रॉफिट मार्जिन पूरा कर रहे हैं
12 से ऊपर नहीं बेच सकते क्योंकि मार्केट में लोग 12 का ही मैक्सिमम बेच रहे हैं। आप ऊपर बेचेंगे तो वो बिकेगा नहीं, लोग सस्ती की खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपकी सोर्सिंग बाकियों की निस्बत, क्योंकि बाकी यूजली चाइना से सोर्स करवा रहे हैं, तो आप उनकी निस्बत अगर सोर्सिंग कम कर लेंगे तो पॉसिबल है आप वही $12 वाली प्रोडक्ट अगर $8 की भी बेचें तो आपका 30% प्रॉफिट मार्जिन पूरा रहे, क्योंकि वही पैसे आपको कहाँ से बच गए, आपकी सोर्सिंग से बच गए। तो जब वो 30% प्रॉफिट मार्जिन आपका पूरा रहेगा तो आपका ये रिस्क तो खत्म हो गया कि मैं ये सेल नहीं, आपकी सेल भी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं जो आपके कंपेटिटर भी दे रहे हैं, आप हर चीज वही दे रहे हैं जो आपके कंपेटिटर दे रहे हैं, लेकिन आप लेस प्राइस में दे रहे हैं, तो वहां तो उसी के पास जाएगी जो सस्ती दे रहा है और अच्छी भी दे रहा है, तो आपकी अल्टीमेटली ऑर्गेनिक सेल्स बढ़ जाएंगी। ऑर्गेनिक सेल्स बढ़ेंगी, आपका रैंक इंप्रूव होगा, रैंक इंप्रूव होगा तो आपकी सेल्स और इंप्रूव होगी, रिव्यूज आएंगे तो नई ट्रैफिक आएगी, और इन सब की वजह से आपकी पीपीसी भी इफेक्टिव हो जाएगी। समझ रहे हैं इसके फायदे क्या क्या है? तो एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, सेल 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 से क्या होगा, जहां पे आप रेवेन्यू बना रहे थे £2,000 का, वो रेवेन्यू आपका हो जाएगा £5,000 का। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये सोर्सिंग इस कदर मैटर करती है बिजनेस में। सर थोड़ा लाउडली ताकि बाकियों को क्वेश्चन समझ आए, सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमेज़न अलाउ नहीं करता। उस पर हम बात बाद में करेंगे जब प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर आएंगे, तब हम देखेंगे कि किन प्रोडक्ट्स को हम लिस्ट कर सकते हैं किन को नहीं कर सकते। अभी आप सोर्सिंग पे ही रहो। तो विद इन द कंट्री हम कैसे सप्लायर ढूंढ सकते हैं? ऑब्वियसली अलीबाबा पे ढूंढेंगे, चाइना में होगा। 1688 में ढूंढेंगे, चाइना में होगा। थॉमस का हमें पता चल गया टोटली यूएसए में है, चलो यूएसए में कर रहे हैं तो हम तो थॉमस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूके, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन किसी इस मार्केट में कर रहे हैं, नेदरलैंड या ब्राजील में, तो कैसे मैन्युफैक्चर फाइंड आउट करेंगे? तो सर उसके ऊपर आपकी गूगल रिसर्च काम आएगी। सही है, आप लोगों ने करना क्या है जी, कि गूगल के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपकी लोकेशन क्या आ रही है जी, पाकिस्तान। आपने इस लोकेशन को चेंज करना है, उस कंट्री की लोकेशन करनी है, यहाँ से आपने सेटिंग में जाना है, ये रीजन सेटिंग आ रही है जी, सिलेक्ट है करंट रीजन, तो जो मेरा आईपी एड्रेस है पाकिस्तान का, तो उसके हिसाब से वो मुझे ये पाकिस्तान सिलेक्ट कर रहा है। अदरवाइज आप जिस कंट्री में सप्लाई, इससे होता पता क्या है, इससे रिजल्ट सेपरेट हो जाते हैं सर। जब आप वो रीजन सिलेक्ट करके उसी रीजन का, जैसे हम अमेजोन के ऊपर लोकेशन चेंज करते हैं ना, उसका क्या मैंने बताया था कि रिजल्ट सेकोरेट हो जाते हैं, तो इसमें भी रिजल्ट सेकोरेट होंगे। तो लेट्स सपोज आप लोग यूके में कर रहे हो, मैंने इसको सेव कर दिया, यूनाइटेड किंगडम आ गई जी मेरी रीजन। अच्छा, अब यूनाइटेड किंगडम आने के बाद अब आपने अपना सप्लायर ढूंढना है। सही है, लेट्स सपोज हम योगा मैट का देख रहे थे, तो मैं कहता हूँ योगा मैट मैन्युफैक्चरर यूके। सही है जी, अब ये जितने आए हैं ये यूके, ये देखें ये तारा योगा मैट मैन्युफैक्चरर यूके। सही है, हो सकता है ये चाइना की कंपनी हो जो यूके में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना आगे बैठी है, हमें इससे तो गर्ज नहीं, हमने तो बस यूके में मैन्युफैक्चर ढूंढना था कि कॉस्ट कम आए। सर इस वेबसाइट को ओपन करें, ठीक है, अब देखें कि वो बता रहा है कि वो योगा से रिलेटेड सारा कुछ बनाता है, फिटनेस से रिलेटेड, जो कि योगा का ही एक सबसेट हो गया, तो ये बंदा मेरे लिए गुड टू गो हो सकता है। अच्छा, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट पड़ रहा है कि ये बंदा चाइना का है, ये कंपनी भी चाइना की है, लेकिन ये नंबर मुझे यूके का लग रहा है, तो सिंपल आप इनसे कांटेक्ट करें, इनके कांटेक्ट में जाएं, इनको ईमेल करें, इनसे बात करें, इनसे कंफर्म करें, वो कहते हैं कि हम यूके में हैं, यूके का उनसे फिजिकल एड्रेस मंगवाएं, उनका फिजिकल नंबर लें, अपने क्लाइंट को दें कि भाई इनसे बात करो। ये देखो यहाँ पे इसने एड्रेस दिया फुजियान का, चाइना का। सही है, तो इसने सिर्फ क्या किया हुआ है, साइकी है ना, साइंस है उसकी, स्ट्रेटेजी है कि वो जो मैंने कीवर्ड लिखा था योगा मैट मैन्युफैक्चरर यूके,
उसने उस कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक किया होगा, उसने उस कीवर्ड के ऊपर एसईओ की हुई है, सही है। तो आपको इस तरह फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैम ये आपका काम नहीं है, ये एसईओ की एक अलग फील्ड है, अमेज़न वालों का काम नहीं है। आप एसईओ करेंगे अपनी लिस्टिंग की। एसईओ का बेसिकली बेसिक डेफिनेशन अगर बताऊं तो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम वेबसाइट्स को रैंक करते हैं, जैसे गूगल के ऊपर मैंने कीवर्ड लिखा तो आपके पास वेबसाइट्स आती है ना, लिंक्स आते हैं, तो उन लिंक्स को रैंक करते हैं कि हर कोई अपनी जो है कोशिश में होता है कि मेरी वेबसाइट का लिंक इस कीवर्ड पे टॉप पे आए, मेरी वेबसाइट का टॉप पे आए। तो उस काम को, उस टेक्निक को एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसने सिर्फ अपनी वेबसाइट को रैंक किया हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर, इसलिए वो इस कीवर्ड के ऊपर पहले आ रहा है। आप लोग इस तरह ये कीवर्ड लिखेंगे और डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करें कौन सी यूके की है, उनसे फिर बात करें। अगर तो आपको उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका कॉस्ट आपकी इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि आप खुल के मार्केटिंग भी कर सकते हैं, कम प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें भी कर सकते हैं। सही है, क्लियर है जी। चलें, अभी सोर्सिंग से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप बता दें मुझे। सोर्सिंग से रिलेटेड जी किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। हमारा सोर्सिंग का चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज है, कुछ चीजें इसमें हैं। बॉस बॉस अभी मैं बोल रहा हूँ यार, मेरे माइंड में तो नहीं है, अगर हो तो मुझे पता नहीं, आप ढूंढ सकते हो। अच्छा जी, ये ना मैंने ये कुछ चीजें डिस्कस करनी थी आपसे सोर्सिंग से रिलेटेड। फ्रेट फॉरवर्डर भी आप लोग ढूंढ सकते हैं अलीबाबा से ही, सेम क्राइटेरिया के ऊपर जो कल हमने सप्लायर का देखा था कि इतने जेम्स हो, 3 साल से मैक्सिमम मिनिमम बैठा हो और ट्रेड इंश्योरेंस हो, गोल्ड कॉइन हो उसके पास, गोल्डन बैज हो, सेम यही चीजें आपने फ्रेट फॉरवर्डर के लिए भी देखनी है, सेम यही चीजें आपने इंस्पेक्शन के लिए भी देखनी है। ठीक है, आप लोग इंस्पेक्शन की बात नहीं हुई थी हमारी, तो ये जो हमारे लेक्चर के 10 मिनट हैं ये हम इंस्पेक्शन पे ही बात करेंगे, वो अभी नहीं, अभी ये चीजें पहले जरूरी है, वो हम कल करेंगे। अच्छा, इंस्पेक्शन से क्या मुराद है? देखें, वो चाइना में है या वो यूके में है या वो जहां पे भी, अंटिल अनलेस वो पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान के लिए भी कल कोई पूछ रहा था, तो आप पाकिस्तान से भी सोर्सिंग करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं है सर। सोर्सिंग आप जहां से मर्जी कराएं, मैंने अगर आपको अलीबाबा 1688thomas.net या यू कंट्री से करने का बताया है तो इसका मतलब यही नहीं कि मेरे पास सिर्फ यही रस्ते हैं। सर, मैंने आपको बताया कि आप अपने घर के साथ वाले घर, अगर वो मैन्युफैक्चरर है, आप उनसे सोर्सिंग करवाएं। यहाँ अपने मार्जिन से ज्यादा मिल रहा है, मसलन आप 30% प्रॉफिट मार्जिन ढूंढ रहे हैं तो आपको सोर्सिंग अगर 30% पे जहां से मिल रही है वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको कहीं से मिल रही है कि आपका मार्जिन 40% हो जाए तो सर वो तो फिर आपके लिए मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा। ठीक है ना, चीजें नहीं है कि हमसे चाइना से करेंगे। अब मैंने एक प्रोडक्ट अपनी जिसका ये कॉन्ट्रैक्ट भी सामने मेरा अभी सामने लाइट चली, इसका क्योंकि मुझे ये जैसे मिल रही प्रोडक्ट लाहौर से सस्ती मिल रही, चाइना से जहां से मेरी इन्वेंटरी 9 लाख की जाती है लाहौर से 6 लाख की जा रही, 3 लाख का मुझे फायदा हो रहा है। समझ रहे हैं ना, सिर्फ चीजें क्या मेक श्योर करनी है कि वो ही क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो जाए इधर भी। फॉल्स जिन चीजों को मैं वो किस तरह हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट
फाइल भेजते हैं जो कि हम उनसे कहते हैं कि ये ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म पे लाजमी मेंशन करना। मसलन मैं बताता हूँ आपको, अब जुबानी बताना स्टार्ट करता हूँ। प्रोडक्ट की डायमेंशन साइज की बात हुई कि मुझे 10 इंच का चाहिए, मुझे उसमें 2 टीयर्स ही चाहिए, सही है, 10 इंच चाहिए, 2 टीयर चाहिए। ये इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जी, तो ये आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिखवानी है। मसलन आप कहते हैं कि मैं ये डस्टर बेच रहा हूं, तो ये मेरा डस्टर इस रेक्टेंगुलर शेप का हो, इसकी जो लेंथ और जो विड्थ डिसाइड हुई है मुझे यही चाहिए। ये ना हो वो आपसे बात करे कि मैं इतने सेंटीमीटर का भेजूंगा, जब ओरिजिनल में प्रोडक्ट आए तो वो इतने सेंटीमीटर की हो। तो इन चीजों से कैसे बचना है कि आपकी एक एक, मैंने कल भी ये बात बार बार की थी कि छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी आप मेंशन करवाएं ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म के ऊपर। कलर मेंशन करें कि किस किस कलर की प्रोडक्ट आपकी आपने ऑर्डर की है। मसलन ये डस्टर है, ये तो मल्टीपल कलर में हो सकते हैं, लाइट चलेगी। एक्सक्यूज मी सर जी, सर जैसे आपने बताया कि ये अगर हम पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर जो है वो करवा सकते हैं, तो अगर हमारा क्लाइंट यूके में है या यूएसए में है, तो फिर हमें शिपिंग के जरिए वहां पे उस तक भेजनी पड़ेगी प्रोडक्ट। जारी बात है जी, अगर आप पाकिस्तान से सोर्स करवाएंगे तो शिपिंग तो करवानी पड़ेगी, और वो दूसरा तो कोई तरीका नहीं है ना, या तो आप सी शिप करवाएंगे या एयर शिपिंग करवाएंगे, उसके अलावा तो नहीं ना। बाय रोड आप भेजेंगे तो वो तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अच्छा जी, ये मैं जी आपको दिखा रहा था, अब देखेंगे मेरी उससे बात हुई कि कलर नेचुरल बैम्बू होगा, सही है, तो ये भी मैंने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के नाम से नोट पैड पे लिख के दिया कि ये भी मेंशन करो ट्रेड इंश्योरेंस पे। प्रोडक्ट का साइज जो डिसाइड हुआ था कि इतने डायमीटर की होगी और उसकी हाइट ये होगी, वो भी मेंशन करो, सही है। पैकेजिंग मुझे किस टाइप की चाहिए, मैंने उसे कहा था कि मुझे श्रिंक रैप पैकेजिंग करो और उसके अंदर एक कार्ड इंसर्ट कर देना। श्रिंक रैप पैकेजिंग क्या होती है, हार्ड प्लास्टिक। तो मैंने अपनी ये प्रोडक्ट बनवाई, मैंने बॉक्स पैकेजिंग नहीं करवाई, उसकी भी साइंस बताता हूँ। मैंने बॉक्स पैकेजिंग नहीं करवाई, मैंने उसको कहा कि हार्ड प्लास्टिक में इसको रैप करके भेज दो, लेकिन रैपिंग से पहले इसके अंदर एक कार्ड रख देना, उस कार्ड में मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन है एडवर्टीजमेंट के लिए, मुफ्त की जो भी आपका पोस्टर शोस्टर है। ये उस कार्ड की बात हुई है कि बॉस ये भी साथ रखना है, और कार्ड का डिजाइन आपको मैं दूंगा, और लोगो आपने लगाना है उसके ऊपर, ये भी बात कॉन्ट्रैक्ट पे लिखवाई। लोगो दो टाइप की है, लेजर प्रिंटिंग है, एक हीट प्रिंटिंग होती है। तो मैंने उससे जोन सा भी दोनों में से डिसाइड किया, मैंने कहा जी वो भी लगाना है। फिर एक्सेसरीज की बात हुई, तो मैंने कहा जी 30 पीसेस लाइनर्स की हमारी बात हुई है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखो। 2 पेयर ऑफ चॉपस्टिक्स की बात हुई है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखो। ये मैं डमी आपको बता रहा हूँ, इसी तरह आपकी भी जो जो प्रोडक्ट्स होंगी साथ जो जो देना चाह रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपने लिख ली। 2 पीसेस कॉटन लाइनर है, ये भी लिखो। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब उससे नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने उससे जो मास्टर कर्टन है, मैंने उससे उसकी डायमेंशन भी लिखवाई। इसका क्या फायदा है, इसका फायदा बॉस ये है, ये जो फ्रेट वाले होते हैं, हाँ जी हाँ जी, मसलन अगर इसकी बॉक्स पैकेजिंग भी है छोटे छोटे बॉक्सेस में, जारी बात है वो एक बॉक्सेस किसी बड़े बॉक्स में आएंगे ना, मास्टर कर्टन में, आउटर कर्टन उन्हें कहते हैं, ये मास्टर कर्टन कहते हैं। अच्छा सर, अब इसका क्या फायदा है डायमेंशन लिखवाने का, इसके ऊपर बात करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर जो होते हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था कि वो अमेज़न की तरह या तो आप लोगों से एक्चुअल वेट के ऊपर चार्ज करेंगे या डायमेंशनल वेट के ऊपर चार्ज करेंगे, सही है, जो उनसा ज्यादा होगा। अब ऑब्वियस बात है, इसका वेट कितना है जी, 13 kg बता रहा है मुझे वो, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे सप्लायर ने दी है, तभी मैंने कहा कि तुम जो कह रहे हो ये वैसा ही होगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखो। उसने कहा 13 kg वेट है पर एक कार्टन का, अगर मैं इसका डायमेंशनल वेट निकाल लूं तो कितना निकलेगा, करना जरा कैलकुलेट, 53 × 53 × 45 / 6000,
53 into 45 डिवाइडेड बाय 6000 मैसेज पढ़े थे 21.06 चलो जीरो जीरो आ गया तो 21 ही कंसीडर कर लो तो इसका क्या वेट निकला जी डायमेंशनल वेट 21 अब मैंने उसको बताया 13 वो क्या चार्ज करेगा 21 समझ रहे हो उसने कहना जी 21 ज्यादा है लालच है तो उसने 21 के हिसाब से चार्ज करने पैसे कोई लोग 6000 पे डिवाइड करते हैं कोई 5000 पे करते हैं कोई 136 पे करते हैं सबके डिफरेंट फार्मूला है तो जब भी फ्रेट वाले से बात करनी है उसे ये शो नहीं करवाना कि आप लोग बिल्कुल जीरो स्पीड में उसे कहना है कि यार तुमने ये जो केजी मैंने तो तुम्हें बताया कि 13 kg वेट है वो कहेगा जी आपका डायमेंशनल वेट इतना है उसे कहना कि अपना फार्मूला बताओ क्या है ताकि उसे पता हो कि सामने वाले को पता है कोई मैच के साथ दो नंबर ही नहीं कर सकता सही है जी तो अब वो 21 kg अब मेरा ये 21 kg कैसे रिड्यूस हो सकता है मेरी मास्टर कटन की डायमेंशन रिड्यूस होगी तो सही है लेकिन अब इसमें एक और फैक्ट आ जाता है फ्रेट वाले भी कहते हैं जितना केजी ज्यादा होगा हम उतना पर केजी कम चार्ज करेंगे तो अगर आपका मास्टर कटन की डायमेंशन इतनी कम हो जाए कि आपके टोटल केजीज कम हो जाए वो फिर चार्ज ज्यादा करने लगे थे छोड़ेंगे नहीं जी वो दोनों तरफ से आपको पकड़ लेंगे तो इसलिए आप लोग कोई दरमियाना सा काम कर सकते हो समझ आ रही है जी मेरी बात वही बात है जी जैसे हम मार्केट में जाएं तो बल्क में क्वांटिटी उठाएंगे तो वो सस्ती मिलेगी कम उठाएंगे तो वो महंगी मिलेगी तो इसी तरह फ्रेट वाले अब देखते हैं कि अच्छा यार इसकी मास्टर कटन की डायमेंशन कम है मैं तो इसको यहाँ से भी नहीं पकड़ सकता वो कहते हैं जी आपका वेट कम है तो इतना लगेगा अगर आपके केजी ज्यादा होते ना तो हम आपको कम पैसे बता देते लेकिन अब हम इतने ही ले सकते हैं मजबूर है तो मिडिल लेवल तक आप अपनी डायमेंशन करवाएं इसका तरीका क्या है कि आप सोर्सिंग के साथ साथ जैसे ही आपको सप्लायर बताता है ना पहले दिन ही सप्लायर से बात होनी चाहिए कि इतने यूनिट है उनकी साइज ये है ये मेरी रिक्वायरमेंट है ये लोगो लगाओगे ये पैकेजिंग करोगे अब मुझे बताओ कि मेरे मास्टर कटन की डायमेंशन क्या होंगे वो बताएगा उसे फाइनल नहीं करना अभी साथ ही पैरेलल फ्रेट वाले से बात करते जाओ उससे कहोगे यार ये मेरी मास्टर कटन की डायमेंशन है इतने टोटल कटन है टोटल वेट ये निकलेगा खुद से फार्मूला लगा के 6000 स्टैंडर्ड वेट डिवाइड करके सकता हूँ टोटल एक्चुअल वेट ये बनता है डायमेंशनल वेट ये बनता है एक्चुअल वेट के लिए आज से इतने पैसे बनेंगे डायमेंशनल के लिए आज से इतने पैसे बनेंगे अब तुम मेरे साथ क्या करोगे सारा कुछ पहले से ही करके एक मैसेज में भेज दोगे तो वो पहले ही अलर्ट हो जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है सही है ना वो उस हिसाब से फिर आपको डील करेगा अब जब वो उस हिसाब से आपको डील करेगा वो आपको बताएगा जी मैं ये चार्ज करूंगा अगर तो वो पैसे आपको समझ आते हैं वापस आके अपने सप्लायर को डन कर दोगे जी मास्टर कटन की डायमेंशन में ही ओके वरना उसके साथ निगोशिएट करो कि यार इसको थोड़ा कम कर मुझे फ्रेट से बहुत चार्जेस पड़ रहे हैं सारी बात उसे खुल के करो तो जहां तक मीडियम मिल जाए लेकिन फिर उससे लिखवाना है क्योंकि इसमें भी हो सकता है कि वो बताए कुछ मास्टर कटन भेजे कुछ हमने रिस्क यहां से भी नहीं लेना के बाद में फ्रेट वाला के जी आपने तो कम बताया था ये तो इतना आ गया आपका एक्चुअल वेट 21 नहीं जी ये तो 30 kg बन रहा है तो 30 kg के हिसाब से आपके $2000 कम है जी मुझे और भेजो समझ रहे ये चीजें वो जो मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में नुकसान करवाए हुए सॉरी सर नाम मिलते हो सिटी स्क्रीन जगह के नहीं सर मुझे अगर आप एग्जांपल देंगे नाम कैसे मिलेंगे फैसलाबाद फैसलाबाद का नाम अच्छा इसका सिंपल सा आंसर ये है जी कि अमेज़न आपको एड्रेस देता है ना वो एड्रेस इतनी डिटेल में होता है कि कोई गलती के चांसेस नहीं उसके ऊपर पोस्टल कोड मेंशन होता है और वो मांगते ही पोस्टल कोड है वो कभी फ्रेट वाले कभी भी एड्रेस के ऊपर चार्ज नहीं करते कि हमने फैसलाबाद के इस इलाके के इस गली में इस घर तक जाना है नहीं उन्होंने कहना है मैं पोस्टल कोड दे दो क्या बस पोस्टल कोड के ऊपर एड्रेस लेना है वो जो बीच में चोर रास्ते होंगे उसके उन्होंने पैसे नहीं लेने तो उन्होंने पोस्टल कोड के पैसे लेने वो फिर अहमद उन्होंने डिटेल में एड्रेस दिया उन्हें वो ठक करके उधर पहुंच जाता है
सॉरी हाँ जी हाँ जी सर, ये फिर आप मैन्युफैक्चरिंग टाइम बात करते हैं कि यार इसका जो मॉइस्चर लेवल है ना, मुझे इतने दिन सरवाइव करने हैं, एक्स्ट्रा लेवल चाहिए ताकि वहां तक पहुंचने पे मेरा ये लेवल मेंटेन रहे, सही है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी कल को मेरे साथ ऐसे हुआ कि हमने एक वेयर हाउस चेंज किया, दूसरा वेयर हाउस हायर कर लिया। अब पुराने वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में इन्वेंट्री भेजनी थी, लेकिन विद इन द सेम टाइम वो इन्वेंट्री भेजने पे मुझे लगने थे 25 दिन। अब वो 25 दिन में मैं हर वीक उस वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस इन्वेंट्री भेजता हूँ ताकि हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो। अब उस 25 दिन में ये भी पॉसिबल था कि मैं अमेजोन पे इन्वेंट्री खत्म हो जाए और मुझे अपने वेयर हाउस इन्वेंट्री भेजनी पड़े, लेकिन मेरी इन्वेंट्री तो रस्ते में है, मैं कैसे भेजूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि वेयर हाउस टू वेयर हाउस ट्रांसफर करने से पहले मैंने 25 दिन एक्स्ट्रा की इन्वेंट्री अमेजोन की तरफ भेज दी, ताकि वो जो 25 दिन लगने हैं उसमें अगर मैं कहीं आउट ऑफ स्टॉक भी हूं तो ये जो 25 दिन एक्स्ट्रा की इन्वेंट्री जा रही है ये मुझे कंपनसेट कर ले और इजिली मेरी दूसरी रिमेनिंग इन्वेंट्री दूसरे वेयर हाउस पे पहुंच जाए। तो आप इस तरीके से अपने मॉइस्चर लेवल को, इस पे आप हो सकता है आपका सप्लायर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करे, लेकिन ये अब आपकी डीलिंग है, ये आपकी प्रोडक्ट की है कैपेसिटी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये फीचर्स आ गए। मैंने लिखा जी फीचर्स दैट वी वांट टू बी इन आवर प्रोडक्ट मस्ट बी, ये जी आपने फीचर लिखने हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में हो। फिर मैंने उसे बताया कि वो प्रॉब्लम्स जो मैं अपनी प्रोडक्ट में चाहता हूँ कि ना हो, वो प्रॉब्लम्स मैंने उसको लिख के दी कि देखो जी कि जैसे उसकी लिड जो है वो ब्रोकन आती है या स्मैश आती है, ये काम ना हो। फिर मैंने उसको बताया कि हाइट की जो बात हुई थी तुम्हारी मेरी इतनी हुई है तो उतनी ही रहे, क्योंकि मैंने लोगों में ये मसला देखा है कि उनकी हाइट जो डिसाइडेड होती है उससे कम जाती है, थिकनेस थोड़ी देर यूज करने के बाद उसकी थिकनेस खत्म हो जाती है, वो उसकी शेप मोल्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, एक्सेसरीज कंप्लीट नहीं होती, जो मेरी बात हुई है इनकम्प्लीट होती है, तो भाई वो भी ना हो तुम्हारे साथ, कोई भी डैमेज डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना हो। फिर इंस्पेक्शन का वर्ड आ गया जी, लास्ट बात है जी आज के लेक्चर की, वो खत्म करते हैं। इंस्पेक्शन से क्या मतलब है, मैंने आपको पहले बताया कि वो चाइना में, यूके में या किसी और कंट्री में बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं, आप क्या उसका पकड़ लेंगे, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हम उसका। तो हम उसके ऊपर डर डालते हैं, हम पहले दिन डील करते वक्त उससे बात करते हैं कि बॉस तुम्हारी मेरी डील पक्की हो गई है, मुझे डेट बताओ टाइम बताओ जब मेरी इंस्पेक्शन टीम इंस्पेक्शन करने आए, ताकि जिन रिक्वायरमेंट को हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो इंस्पेक्शन करे आके कि क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, हुई हुई है या नहीं हुई। समझ आ रही है जी मेरी बात। जैसे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स आके देखें कि मैंने जितने यूनिट्स तैयार करवाए हैं वो यूनिट्स में ये वाली प्रॉब्लम है तो नहीं, जो फीचर्स होने चाहिए वो फीचर्स अवेलेबल है, एक्सेसरीज पूरी है, हाइट वही है, समझ रहे मेरी बात को। तो फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट पे ये भी लिखवाएं कि तुम्हारी मेरी जो डील हुई है चैट के ऊपर कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करेगी आके, तो तुम डेट दोगे और तुम लोग इंस्पेक्शन की इजाजत भी दोगे, तुम लोग बाद में पंगा, कुछ लोग रन टाइम पे ओके कर देते हैं, बाद में कहते हैं हमारी कंपनी जी इंस्पेक्शन नहीं अलाउ करती थर्ड पार्टी का, हम नहीं करा सकते, तो ये बात भी उससे ट्रेड इंश्योरेंस फॉर्म पे लिखवा लेनी। क्लियर है जी। वो सर फ्रेट वाले का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आ सकता है कि आप लोग अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है वो आ सकता है, लेकिन अगर वो कोई रीजन ही ऐसा पेश कर दे जो जेन्युइन हो उस पे फिर अलीबाबा कहता है जी करना ही पड़ेगा, फिर आप लोग नहीं कुछ कर सकते। जारी बात है चाइना तो अपना चले जाए, अपना बंदा फ्री में काम नहीं करेगा, पाकिस्तान से बाहर आपका जो मर्जी सगा फ्री में काम नहीं करेगा, क्योंकि सर उधर टाइम बिकता है, उधर टाइम बिकता है। अगर वो आपसे फ्री में करेगा अभी ना तो वो फिर आपको लटकाएगा, अच्छा यार मैं आज जा रहा हूँ मुझे मेरी जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही, टाइम नहीं मिल रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बता देगा कि भाई माल लगाओ मैं फिर आपका काम करूँ। ये सारे तजर्बे किए हुए हैं, ये सारे तजर्बे किए हैं बॉस, कम ले लेगा, लेगा जरूर। अच्छा डिलीवरी टाइम लिखें, जो डेट डिसाइड हुई है बॉस,
जो डेट डिसाइड हुई है वो लिखो कि इस डेट को मेरे यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। पेमेंट का लाजमी लिखो जी कि 30% पेमेंट एडवांस है और रिमेनिंग 70% जिस दिन हम इन्वेंट्री उठाएंगे उस दिन है, ठीक है। उसके बाद शिपमेंट प्लान लिखो, इसके बारे में हम बात करेंगे जब लिस्टिंग का टाइम आएगा तब। और प्राइस लिखो कि किस प्राइस के ऊपर आपका सप्लायर आपसे डील डन कर रहा है कि पर यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का क्या लेगा। और साथ में इनको टर्म भी लिखनी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा इनको टर्म्स क्या होती हैं। इधर इनको टर्म लिखी हुई है EXW, ठीक है। अच्छा जी, ये चीजें थी जो आपको बतानी जरूरी थी, सही है। इंस्पेक्शन वाला कैसे ढूंढते हैं, इंस्पेक्शन वाला भी अलीबाबा पे मिल जाएगा। आपने इंस्पेक्शन टीम लिखना है, उसी क्राइटेरिया के ऊपर इंस्पेक्शन वाला फाइंड आउट कर लें। सिर्फ इंस्पेक्शन वाले से डील कैसे होती है, उससे ये होती है कि अगर आप 1000 यूनिट बनवा रहे हैं ना, तो वो 1000 के 1000 आगे नहीं इंस्पेक्ट करता। उनकी इंस्पेक्ट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं वर्ल्ड वाइड, वो आपने नेट से पढ़ लेने, समझ लेने। मसलन उनका एक प्रोटोकॉल है मेजर माइनर 20, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मेजर माइनर 20। इसका मतलब क्या है कि टोटल इंस्पेक्टेड सैंपल में से, इंस्पेक्टेड सैंपल में से मसलन 1000 यूनिट है, आप वो आपसे कहेगा कितने यूनिट मैंने इंस्पेक्ट करने हैं, आप बताओ, आपने बताना है। मैंने अपने दफा कहा था उस इंस्पेक्शन वाले को कि 300 यूनिट इंस्पेक्ट करना 1000 में से। उसने क्या करना है, 1000 यूनिट में से 300 यूनिट रैंडमली साइड पे निकाल लेने और उसने इंस्पेक्ट करना है, जो जो भी मैं उसे बताऊंगा कि ये चीजें लाजमी देखनी, ठीक है। अब वो 300 यूनिट में से मेजर माइनर 20% डिसाइड हुआ है हमारा, इसका मतलब क्या है कि मेजर या माइनर डिफेक्ट आएगा 300 यूनिट में से 20% तक आएगा तो वो एक्सेप्टेबल है, समझ रहे। वो जो 300 यूनिट में से 300 का 20% कितना बनेगा जी, एनी हाउ जितना भी बन रहा है 60 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि 60 यूनिट में अगर कोई मेजर डिफेक्ट या माइनर डिफेक्ट आएगा तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये आपने डिसाइड कर लिया था। तो इस तरह आप उसे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे सेट करेंगे और फिर वो इंस्पेक्ट करने जाएगा, ठीक है। मेरी दफा जो डिफेक्टेड पीस आए थे, मेरी इंस्पेक्शन टीम ने मैन्युफैक्चरर से कहा कि डिफेक्टेड पीस है इन्हें चेंज कर दो, मेरे सप्लायर ने वैसे ही चेंज कर दी, वरना मुझे एक्सेप्ट करने पड़ने थे। बकायदा वो आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के दे रहे, बड़ी प्यारी सी, मुझे याद करवाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखाऊंगा आज का लेक्चर। हाँ जी, 20 से ज्यादा होंगे तो वो तो चेंज करके देंगे ही देंगे, हाँ जी वो सारे चेंज करके देंगे। जितना आपका डिसाइड हुआ उससे ज्यादा होंगे तो वो कंपनी के खाते में, सप्लायर के खाते में, वो उसको या तो उसके पैसे वापस भरेगा या उसको रीमैन्युफैक्चर करके देगा, ठीक है जी। चले जी, सोर्सिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इनको टर्म्स और ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये दो चीजें हम कल देखेंगे, उसके बाद हम लिस्टिंग के ऊपर शुरू कर देंगे। सर हमें ये फाइल चाहिए, हमें ये फाइल मिल सकती है।